हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले बाहुबली 3 के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये सवाल जरूर से रहता है, क्या बाहुबली 3 आएगा? अगर बाहुबली 3 आता है तो ऐसे राजामौली साहब की तरफ से क्या स्टेटमेंट आप आए हैं, बाहुबली 3 को लेके क्या नया अपडेट आया है, क्या सच में बाहुबली 3 आएगा तो कब आएगा, किस टाइम पे देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले। अगर आप लोग भी एक्साइटेड है बाहुबली 3 को देखने के लिए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे राजामौली साहब की तरफ से काफी बढ़िया स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, जैसे कि आप लोगों का पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट। दोस्तों, बाहुबली एक ऐसा मूवी था जिसको आने के बाद पूरे फिल्म इंडस्ट्री का जो नक्शा है वो यहाँ पे बदल चुका है, क्योंकि बाहुबली को जिस लेवल पे बनाया गया, वो जिस स्केल का मूवी है, उस टाइम पे उस लेवल के मूवी तो छोड़ो, वैसे मूवी बनाने का कोई सोच भी नहीं रहा। ये एक ऐसा मूवी था जिसको आने के बाद लोगों को यकीन हुआ कि हाँ भाई, ऐसे मूवी बन सकते, वो भी इंडिया के, जो कि SS राजामौली साहब ने उस टाइम पे करके दिखाया था। उसके बाद लोगों को जो साउथ मूवीज को देखने का जो नजरिया है ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। वो तेलुगु इंडस्ट्री हो, तमिल इंडस्ट्री हो, जो भी पूरा साउथ इंडस्ट्री की मैं बात करूं, देखने का एकदम तरीका ही अलग हो गया। उसके बाद ही जितने भी मूवीज है, उसके बाद KGF हो, पुष्पा हो, अभी जितने भी विक्रम जितने भी मूवीज अभी रिलीज हो रहे ना, वो बाहुबली के बाद चेंज हुआ है। SS राजामौली साहब के डायरेक्शन एंड SS राजामौली साहब ने जो एक वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट किया था बाहुबली, फिर बाहुबली 2, अब तो बाहुबली 3 की भी बात चल रही है, वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं। तो ये जो चीजें हुआ ना, उसके बाद हुआ, क्योंकि वो एक लौता मूवी था जिसने की सबको एकदम हिला के रख दिया था कि हाँ भाई, ऐसे मूवीज बन सकते। लोग सोच रहे थे कि हाँ भाई, हॉलीवुड के अंदर ही शायद से वैसे मूवी बन सकते, लेकिन इंडिया के अंदर इतना बजट वाला मूवी, ऐसा मूवी भाई उस टाइम पे कोई नहीं सोच सकता कि ऐसा मूवी बनेगा और ये इतना रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा भाई, 2000 करोड़ छाप के चला जाएगा एंड सब लोग तारीफों के फूल बांधते रहे एंड वही एक्साइटमेंट अभी बाहुबली 3 को लेके देखने को मिले। तो इस विषय में SS राजामौली साहब का यहाँ पे कहना है, मैं हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाहुबली एक डिफरेंट वर्ल्ड की फिल्म है एंड उसके अंदर हम काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग वेरियस ब्रांचेस में बट के यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई अपना स्टोरी पे काम कर रहे, कोई सेट्स पे काम कर रहे, कोई विजुअल पे, सिनेमाटोग्राफी, इन सभी चीजों में काम। तो सब लोगों ने अपने काम को यहाँ पे आधा आधा करके बांट लिया, क्योंकि आपको पता है जो बाहुबली आया था उसके बाद जो बाहुबली 2 आया, उनका जो स्केल है, तो ऑब्वियसली बात है बाहुबली 3 का जो स्केल होगा उससे अप ही होने वाला है, 2 गुना ज्यादा ही होने वाला है। तो उसको करने के लिए कितना मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा, उसको करने के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे रेडी करना पड़ेगा। तो दैट्स बिकॉज ये मूवी आने में इतना लेट हो रहा है, इस मूवी के अनाउंसमेंट आने में इतना लेट हो रहा है, क्योंकि SS राजामौली साहब ने यहाँ पे क्लियरली कहा है इन सभी चीजों में प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट होगा और ठीक तरीके से काम होगा, उसके बाद ही जो कोई भी अनाउंसमेंट है, जो जो चीजें करना होगा उसके बाद करेंगे। तो ये सभी चीजें होने में, सभी चीजें क्रिएट होने में, तैयारी करने में थोड़ा बहुत लेट होगा एंड यही कारण कि मूवी आने में लेट होगा एंड आप लोगों को इंतजार और थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बाहुबली 2015 में आया, फिर बाहुबली 2 2017 में, अभी 2022 चल रहा है, मतलब 5 साल हो चुके, अभी भी शायद आपको 2-3 साल देना पड़ेगा एंड उसके बाद ही शायद से जो जो चीजें होगा फ्लोर में भी आ जाएगा एंड सभी चीजें आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। लेकिन यह पक्का है, SS राजामौली साहब ने क्लियर कर दिया कि बाहुबली 3 आ रहा है और ये जितने भी बाहुबली फ्रेंचाइजीज के फैन है, प्रवास के फैन है, SS राजामौली साहब के फैन है, भाई आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, क्योंकि ऐसे मूवीज के हर अपडेट आपको इस चैनल के अंदर देखने को मिलता है। तो जाते जाते आप लोगों के लिए 2 वीडियो छोड़ के जा रहा हूं, इसमें से किसी को देखो, एंजॉय करो, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना ज्यादा एक्साइटेड हो बाहुबली 3 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।